हेलो दोस्तों, मैं गोलू प्रजापति, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिट्टी कैसा होना चाहिए मूर्ति बनाने के लिए। दोस्तों, ये हमने मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी गिरा रहे हैं और मैंने 2 ट्रैक्टर माटी गिरा लिया है, तो ये कुछ और भी काम है इस मिट्टी का। फिलहाल अभी मूर्ति बनाने के लिए हमने मिट्टी गिराया है, तो ये मिट्टी जो है ये बहुत ही फ्रेश मिट्टी है, साफ मिट्टी है। तो ये मूर्ति में फिनिशिंग जब दूसरा बार किया जाता है तो ये मिट्टी लगाकर फिनिशिंग किया जाता है, तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होता है। और जो फर्स्ट में जो मिट्टी चढ़ाया जाता है मूर्ति पे, तो उस पे जो चढ़ाया जाता है वो बहुत ही मजबूत मिट्टी होती है, ताकि वो पूरी तरीके से वो पकड़ बना लेती है। और ये मिट्टी जो है ये हल्की मजबूत उतनी नहीं होती है, इसके बाद भी ये फ्रेश होती है। अगर ये मिट्टी लगाने के बाद भी अगर आपका मूर्ति फटता है, तो समझिए कि आपका ये भी मिट्टी मजबूत है। लेकिन इसमें हमको पता है कि ये मिट्टी मजबूत है, लेकिन इसमें हम लोग मूर्ति में मिट्टी लगाने से पहले धान की भूसी हम लोग इसमें मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद तब इसके उसमें मिट्टी लगाया जाएगा। फिलहाल मैंने वीडियो एक बनाया है कि मूर्ति में मिट्टी कैसे लगाया जाता है और कैसे मिक्स किया जाता है, क्या मिक्स किया जाता है, तो मैं वीडियो बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है। तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में कैसे भूसी मिलाया जाता है, क्या मिक्स किया जाता है। फिलहाल 2-3 तरीके से आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं कि जो कि आपकी मूर्ति न फटे, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है। तो फिलहाल ये मिट्टी मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, और अभी मैंने मूर्ति बनाने से पहले ये मिट्टी गिराया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब इसको अपलोड कर रहे हैं ताकि पूरे लोगों को जानकारी मिल जाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे आपके एक वीडियो बनाइए मिट्टी वाला, कि मिट्टी कौन सा होना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग अगर आप और भी मिट्टी से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी इसको देखते हैं। तो बहुत सारे मैंने मूर्ति बनाए भी है और अपलोड भी कर दिया है, तो न्यू डिज़ाइन की मूर्ति जितनी भी है तो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर यहाँ देख सकते हैं। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो भी आप देख सकते हैं। तो और भी और आप लोगों को सांचा जो बनाया जाता है उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया है। तो इसके पहले एक कमेंट आया था कि सांचे को कैसे बनाया जाता है, कैसे सफाई किया जाता है, तो मैंने वो बना दिया है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये मिट्टी गिराने का काम चालू है और मूर्ति भी बनाने का काम चालू है और मिट्टी भी लगाने का काम चालू है।